अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू नादिया खान ऑनलाइन एकेडमी। ED-601 GTB सॉल्यूशन के हम बात करेंगे। आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, बट आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपनी वर्डिंग में लिखें, ठीक है? जस्ट गेट आइडिया एंड खुद से बनाएं सॉल्यूशन। कॉपी पेस्ट पे फोकस ना किया करें, ठीक है? अगर आप खुद से बनाएंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और इसकी जो ड्यू डेट है वो 10 डेट है, मतलब कि टुमारो। और इसमें जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ फिलोसफी इन टीचर एजुकेशन। सो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। ए फर्स्ट पार्ट ये है कि आपको फिलोसफी की अहमियत बतानी है, फिलोसफी की इम्पोर्टेंस को डिस्कस करना है, किसमें? टीचर एजुकेशन में। एंड हाउ यू वुड इंटीग्रेट अ कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफी इन टू योर टीचिंग प्रैक्टिस। सो सेकेंड पार्ट इज अबाउट कि आप फिलोसफी के कॉन्सेप्ट को अपनी टीचिंग प्रैक्टिस में कैसे जो है वो इंटीग्रेट करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे क्लासरूम में फिलोसफी के कॉन्सेप्ट को, ठीक है? सो मैं आपके साथ जो है वो सॉल्यूशन शेयर कर रही हूँ। इसमें ऐसा है कि आपने जस्ट आइडिया लेना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपनी वर्डिंग में लिखें, ठीक है? और फिलोसफी प्लेस क्रूशियल रोल इन टीचर एजुकेशन एज इट इज़ प्रोवाइड द फाउंडेशनल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ एजुकेशन। सो फर्स्ट इसका जो रोल है वो ये है टीचर एजुकेशन में कि ये एजुकेशन के पर्पस को, उसके फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करने में मदद देती है। सेकेंड जो है द नेचर ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग को समझने में मदद देती है। एंड द इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और जो टीचर्स की इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करती है कौन? फिलोसफी। इंटीग्रेटिंग फिलोसफी इनटू टीचर एजुकेशन हेल्प्स एस्पायरिंग टीचर डेवलप अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल दैट गाइड देयर प्रैक्टिस एंड इनकरेज क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ऑन देयर रोल एज अ टीचर्स, एज एजुकेटर्स, ओके? सो आप टीचिंग प्रैक्टिस को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं फिलोसफी में? फिलोसफी को जो फिलोसफी है ये टीचिंग प्रैक्टिस में क्या करती है, आपको रिफ्लेक्शन में हेल्प आउट करती है कि आपने जो भी क्लासरूम में पढ़ाया, ठीक है, उसको आपको रिफ्लेक्ट होने में इनकरेज करती है फिलोसफी। इसमें इन्वॉल्व है कि इसमें जो टीचर है वो अपनी अजम्पशंस देखता है, अपने टीचिंग मेथड्स देखता है, क्लासरूम में देखता है कि मैंने किस तरह से पढ़ाया, मुझे किस तरह से मज़ीद जो है वो अपने टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। Engaging in reflective practice allows teachers to align their actions with their philosophical beliefs and adopt their practice based on their reflection. So first जो है ये हमने reflection teacher को reflection में मदद देती है कि उसके teaching practice में वो reflect हो सके, उसको मज़ीद improvement की तरफ लेके जा सके। नेक्स्ट जो फिलोसफी है वो हमें टीचिंग प्रैक्टिस में इस तरह से इंटीग्रेट करती है कि वो करिकुलम डिज़ाइन में हमें इनक्रेज करती है। इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ वेरियस एजुकेशन फिलोसफी इनटू लेसन प्लान, कि लेसन प्लान को अच्छे से डिज़ाइन कर सकें करिकुलम डिज़ाइन को। दिस माइट इन्वॉल्व डिज़ाइनिंग एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन किया जाए जो कि स्टूडेंट्स अपने बिलीफ वैल्यूज़ जो है वो रिफ्लेक्ट हो सके। इसी तरह से जो फिलोसफी है वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट को भी इनक्रेज करती है। दिस कुड इन्वॉल्व जैसे वर्कशॉप जो है कंडक्ट करना, सेमिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं, रीडिंग ग्रुप्स फोकसिंग ऑन फिलोसफिकल टेक्स्ट रेलिवेंट टीचिंग एंड लर्निंग। सो आपने देखा कि जो फिलोसफी है वो आप जो है वो टीचिंग प्रैक्टिस में इस तरह से उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके साथ आइडिया शेयर किया गया है, इसको अपनी वर्डिंग में आप खुद बना के लिखेंगे, ठीक है? और फिलोसफी के क्या अहमियत है वो भी हमने देख लिया है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे काइंडली इस वीडियो को लाइक मस्ट कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड